हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से, और आज है दीपावली। दीपावली है तो अभी हम जाएंगे गौशाला। गौशाला हमने खिलाना है गायों को पिंडा। तो जो अभी मौनी बट रही है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ नीचे जाके कि मौनी पिंडा कैसे बट रही है। या तो उसने बट लिया होगा, मुझे लग रहा है पहले। ठीक है, दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ फूल, जो कि हमारे घर के यहाँ पे है। ये देखो, फूल निकालती हूँ क्योंकि हमको पिंडे के ऊपर लगाने के लिए चाहिए ये। तो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी ज्यादा फूल नहीं निकाल सकती हूँ दोस्तों। ये मेरी दादी है, दादी, ठीक है, कह रही कि चलो चलो चलो। पर वेट यार, फूल निकालना ही पड़ेगा। ये है दोस्तों, अभी डांट सुनोगे ना कि इतने कम निकाल रखे। वेट अ मिनट, ठीक है कि नहीं मेरा है, लगाना तो फ्रेंड्स, ये लाई हूँ मैं फूल, जो हम ऐसे करके पिंडे के ऊपर लगाएंगे। देख रहे होंगे आप लोग, तो आप सोच रहे होंगे कि ये मोनी इसमें भात क्यों डाल रही है। तो भात भी देते हैं ना मोनी, तो भात देते हैं तब। सॉरी सॉरी, चप्पल पहन के और थे ना, इसको हम ऐसे लगाएंगे। तो मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे यहाँ दीपावली है, और आज सुबह की सुबह में हम वहाँ जाएंगे गौशाला, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हो तुम, ये सीरिया तैयार हो रही है। और सीरिया, तुम कुछ कहना चाहते हो? है सीरिया, हैप्पी दिवाली बोलो। सीरिया, तुम कुछ कहना चाहते हो? ऐसे बोलो, हैप्पी दिवाली। नहीं बोलना चाहते हो? तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गौशाला। ये देखो, टप ले जा रही है ना मेरी चाची, तो टप में है क्या क्या बोला मैंने, पिंडा, पिंडा है। और यहाँ पे और टप भी है, जो ये पिंडा, और ये है पिठाई की थाली, क्योंकि मौनी मेरे पिठाई लगाएगी अभी। नहीं हाँ जोड़ो, नहीं पकड़ सकता। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं पिंडा देने, और सालू भी पिंडा लेके जा रही है। सालू दिखो पे। दोस्तों चलो, हम पिंडा देने जा रहे हैं, आप भी आओ हमारे साथ। यहाँ से भाग क्या गई है इनकी गाय, इधर आए ना, क्योंकि सब अपने अपने गायों को खिला रहे हैं पिंडा। यहाँ देखो, रास्ते में चलेंगे हम। यहाँ देखो, ये कान कान पिंडा खा ली, इन्होंने तो खिला लिया है। ठीक है, अब हम तो अभी जा रहे हैं 10 बजे, 10:30 बजने वाला है भाई। लोगों ने क्या चले गए ना, वो तो मेरी क्या गलती इसमें है ना। यहाँ सबकी गायों ने पिंडा खा लिया है भाई, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब पे पिठाई वगैरह लग रखी है। क्यों माँ, है ना माँ, ए माँ, हाँ देखो, सब पिंडा खिला रहे हैं सब। अभी हम भी चलते हैं, हमारी गौशाला तो ऊपर है, तो ऊपर से चलते हैं हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आखिरकार हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखो मेरे सर पे, आप लोगों को देख सकते हो आप लोग कि मेरे सर पे है परात, वो भी पिंडे की। ठीक है, रुक रुक, रुक यहाँ नहीं, इधर ये धर, मैं इसको भी निकाल। ओम काली नमो शिवाय, ए थप्पड़ मारो किस पे, मैं इसको भी निकाल। उल्टा नहीं बोला, इन तो उल्टा भी ना बोला। फ्रेंड्स, कहाँ मैंने खल नीचे जाने है माँ, ये पेड़ रखा नहीं तेरे बाबे। अच्छा, कहाँ पे, यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, रुक जा दोस्तों, जा तो रही मैं।
दावे में बार ये देखो, ये हमारे सिर्फ यहाँ है तीन और हमारे नीचे भी है दो नहीं तीन, जो मैंने बताया था ना उस दिन आपको कि मेरे चाची लोगों का था, वहाँ चाची जा रखी है और हम सब यहाँ है, हम सब भी क्या आई है यहाँ, सिर्फ मम्मी मैं दादी अंशु और अभी मेरी दीदी लोग आएंगे दोनों, वही खिलाएंगे यहाँ पे, फिर नितिन और मेघा तो नीचे अपने मसाला जा रखे हैं, उनके गाय यहाँ वहीं रहती है तो है ना। तो यहाँ देखो यहाँ का व्यू, यहाँ देखो एक गाय नहीं खुल रही है जब मोनी से, कैसा नाच रहा था ये बताए, यहाँ देखो कैसा नाच रहा है, कहाँ जा रहे सीरिया 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 का रिएक्शन, गाय से वहां से कूद के आ गया, आपने भी नहीं देखा होगा दोस्तों वो सीन तो है ना, डर तो नहीं लगा, डर तो नहीं लगा आपको, डर लगा थोड़ा सा, यहाँ देखो दो तो वहीं रह रखे हैं और ये इतना वो है ना हमारा गाय, ये लालू सीधा इसने कूदी मार दी भाई और सीरिया सीरिया चिपट गई थी कोई नहीं दोस्तों मैंने पकड़ लिया इसको, अभी हम लोग पीना खिलाते हैं, यहाँ देखो ये बड़ा नहा सीरिया तू, हाँ ये देखो यहाँ इतने आ रखे हैं पीना खिलाने, चलो लोड़ी नहीं लगी भाई सोनी का, सब है यहाँ पे, और अभी ये हम खाएंगे क्योंकि पूजा करने के लिए लार के थे ना, इतना जल्दी खा दिया भाई इन्होंने सारा ना, तू ना आगे पीछे यहाँ पे ये लगाना ही नहीं दे रहा है दोस्तों, ना मिठाई लगा दे रहा ना तेल लगा दे रहा, ले ले फोड़ खेच रहे हो दोस्तों देख सकते हो बेहतरीन इंसान नजारा ये, यहाँ देख सकते हो गाइस ये मोनिका ब्लॉग से तो दोस्तों ये है ग्वाल्डिनी जो अभी हम खाएंगे, और ग्वाल्डिनी वो खाता है मतलब जो गायों के साथ रहता है, तो मतलब मेरी दादी रहती है गायों के साथ तो दादी को दे दिया है, और अभी पता नहीं ये लोग क्यों खा रहे, मेरे को भी दे, ये मेरे को भी देगी, इसको ग्वाल्डिनी बोलते हैं, ये देखो अभी देखना, हाँ देखो हम सबके सब खाए हैं ग्वाल्डिनी, दादी ने तो नहीं खाया पता नहीं क्यों नहीं खाया, ये देखो मोनी ने खा लिया भाई, मोनी का देखो भाई मोनी सब खा रहे हैं ग्वाली जो गायों के साथ रहते मेरी दादी वो नहीं खा रही बस, हाँ देखो सब पे लगा दिया
ये मेरा लड़का पता नहीं क्या क्रिकेट खेलेगा नहीं खेलेगा अब घर की तरफ प्रस्थान करते हुए हम लोग ये देखो हिल रहा होगा ना कैमरा क्या करूं दोस्तों हाथ से ही बनाना पड़ता है यार वीडियो तो अभी हम सब जा रहे हैं घर एक एक करके ये और घर में जाके हम लोग खाएंगे पूरी पकौड़ी अरे खाएंगे तो हम मेरी मम्मी ने बना रखा है पूरी पकौड़ी मेरी मम्मी ने क्या सब गांव में तो सभी ने बनाया होगा आज वैसे पूरी पकौड़ी है ना पिक्चर बनाओ भाई पिक्चर चलो हम अपने घर में पहुंच गए हैं और यहाँ देखो पूरी पकौड़ी ये वाली पकौड़ी है दाल की और मम्मी वाली कौन सा हुआ है ये बेसन वाली बेसन की और इसमें हरी सब्जी वाली है ये दाल की है इसमें तिल लगा रखे हैं हाँ इसमें तिल भी लगा रखे हैं और यहाँ पे ये देखो सब खाने के लिए बैठ गए हैं हम सोनी बोल दिया और यहाँ देखो ये मेरे चाचा लोगों ने दे रखा है हमको हमने भी दिया था बोलने तो दो और अभी हम भात और वो खाएंगे क्या कड़ी खाएंगे ठीक है और ये भी खाएंगे हम ठीक है हम खाते हैं फिर मिलते हैं आपको दोस्तों अभी मैं दिन में सो रखी थी 2-3 घंटे तो मैं सो ही रखी थी इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई और अभी मैं और सिरिया जा रहे हैं नीचे आ जाओ सिरिया आ जाओ नीचे आ जाओ आ जाओ गुगी माँ जा चल ये नहीं हारे दोस्तों ये क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे थे दोस्तों आज कम आ रही हो क्या पता इसे कि दोस्तों मैं नहीं आ रही हूँ मेरी कुकी मत आ जा ओ मेरी कुकी मत आ जा अच्छा वो मैंने बंद कर लिया कैमरा अच्छा अब आ जा बाय घर यहाँ से चलेगा ये बुड्ढी यहाँ से तो दोस्तों सीधे मैं शाम से अभी भी व्लॉग शूट कर रही हूँ अब व्लॉग अभी मेरा मन तो नहीं था शूट करने का पर मुझे करना पड़ेगा अच्छे से मेरे को शूट करना था कि मैं दीपावली का वो करूँ मैं कैसे पटाखे फोड़ती हूँ कैसे क्या करती हूँ तो अभी मैं कमरे से स्टार्टिंग कर रही हूँ व्लॉगिंग की और व्लॉगिंग मैं एंड करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ देखो मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है अभी पटाखे फोड़ने का वैसे तो कर रहा था पर ऐसे होते हैं ना घर में कई लोग दिमाग ख़राब कर देते हैं यहाँ देखो पटाखे मैंने सारे इस थैली में रख रखे थे जिससे मैं उसको जलाऊं और इन्जॉय करूं पर नहीं अब मेरे को मन ही नहीं है अब ठीक कौन ही करेगा यार दिमाग ख़राब कर देते वो भी एक उसकी वजह से क्या बोलते हैं कैंडी लॉ की वजह से दिमाग ख़राब कर रहे हैं अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं फोड़ूँ तो दोस्तों अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो ठीक है।